और मैं भी नहा चुकी हूँ और हमारी सत्यनारायण भगवान की कथा होएगी और वो मतलब कि हम घर बैठ के मतलब घर में बैठ के करेंगे। और कविता ऊपर नहाने के लिए गई हुई है और छोटी नीचे, और मैं पहले सबसे पहले नहा चुकी हूँ और मैं उनका थोड़ा सा प्रसाद बना लेती हूँ। और बस हमारे भाजी भाजी पे लगता है वैसे तो, पर मतलब भाजी पे कथा सुनाई जाएगी, जो भी मेरे को ज़्यादा कुछ इसका पता नहीं है, तो मैं मतलब इतना ही जितना मेरे को पता है मैं बता देती हूँ कि आपको हमारे भाजी पे लगती है, और चाहे पंडित सुना दे वो कथा या फिर घर में मेंबर कोई भी सुना दे, तो इसमें बस वो कथा करेंगे और इसीलिए जल्दी जल्दी नहा रहे हैं। और ये जोड़े की मतलब उन दोनों जोड़े एक तो, मतलब ऋषु को और कविता को बिठा के और कथा सुनाई जाती है, तो वो अब हम मैं उनकी थोड़ी तैयारी कर देती हूँ। नहीं नहीं पीछे सारो लगाओगी नहीं है, विष्णु भगवान की तस्वीर का पीछे सारो लगा दी लोटा को नहीं पता नहीं मैंने मुंह की साइड होया कर नू हो जा भगवान ना हां हो जा हां इन हो जाओ जाओगा नू हो जा फिर या टेबल लटा लियो नू हो जाऊंगा ने हां तो न्यू कर फिर अपन न्यू करना नहीं है ले लोटा सुन इन्ना कर लिया तेरे उरे बैठांगा क्यों कर इन्ना करेगी तो यही तो बात है वाल लगा दे इसका और न्यू ना हो जा कर है पकड़ फिर पकड़ आराम से। सो गाइज आज है हमारे घर में सत्यनारायण की छोटी सी पूजा करेंगे, कथा करेंगे और मैं कथा सुनाऊंगी। ऋषु और कविता की शादी के बाद पहली पूर्णमासी आई है तो उस पर हम करते हैं कथा, ऋषु और कविता सुनेंगे, यहाँ होगी तैयारियाँ। हाँ हाँ हवन कुंड लिया और बैंगी मैस वो लिया और ये तैयारी होगी है। छोटी फ्रूट रख। हाँ फ्रूट लेगा। अच्छा बिहाई कर लिया शुद्धि आ जाएगी। हाँ ये तो शुद्धि आ जाएगी। कविता कर रही है तैयारी पूजा की और प्लेट में रख लिया फ्रूट। नानो आ जा रहे और है स्कूल, नानू घर पे है। भाई जी यहाँ हो गया हमारे सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी, आरती कर रही है और ये हमने पूजा की तैयारी कर ली है। और यो के हाँ दे और मैं मोली ले आती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो नमो भगवते वासु ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। अच्छा ठीक है और लक्ष्मी मैया का लाके को रोली को रोली को ठीक है रोली तो वहां होगी। तुलसी का दो पत्ता जैसा भी निकले निकाल जाओ ले आओ तो 50 रुपया हम चढ़ाओ। हां कितने पड़े अपन बुला ले। क्या बात है लुक एक नहीं कविता डूबा खाना प्लेट लिया छोटी उड़ा रख जा बाबा नारी ऐ मैं की को नहीं वासुदेवाय नमः। आएगी ना दुआ हा थोड़ा ना गणो को है कोड को कहीं बैठ जाओ सब अपना है बैठ जाओ चाचा पापा को मैं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दियो तो लगाओ भाई हाँ दियो तो लगाओ भाई दियो 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 यो ना पचोद गया। जस्ट ए मिनट चलो ना दियो लगा ले छोटे पहले माचिस नन माचिस दे थी ना है ना अरे थोड़ा सा लगाना मेरे के ठंडा होता है बिल्कुल बस छू देना इस करके हटा देना बस बस मेरे दिखाइयो
विष्णु भगवान का पीला रंग सोनी लगाई हो गई आज मैं मना कर रहा हूँ। विष्णु भगवान का लगा दो, तू लगा ले विष्णु भगवान पर, तू लगा लक्ष्मी माता पे, आरती ले लक्ष्मी। अच्छा ठीक है, ठीक विष्णु भगवान की जय। ले वस्त्र बना दे, जय बाबा की। बाबा की दादा में चालू करो, मुट्ठी में नहीं अक्षत ले लियो, अक्षत का ही से ताई। ठीक है, ये बनते हुए लिया कर है ना, बनते को नहीं, अब कथा सुनाओ दिन छोटी, जब जब कथा में ले लियो। अच्छा भाई ये देखिए करेगा नहीं तो हे करण लग जाएगा। कौन बंदा नहीं पंडित लाग जे मन तो आओ को नहीं नहीं लाग जे हे विष्णु विष्णु इन लिया पंडित आई ना पैसे लोगे तो भाई सही से करो ये काम सारा सही से सके क्योंकि पूरे दिन आप रच की करी राम जो तो है तो ये राम जी को आंगुई सब भगवान का कातरी फिर हम साफ कर देगा आज ये सारो गेट कर देगा ले लिया बाद में राम और नारायण एक ही तो है एक ही तो है यही तो कौन राम जी की जोत से गवा जगी कौन माता में ये चावल ले ले हाथ में ले हाथ में ले ले सारे कविता को भी दे दे विष्णु भगवान का आगे थोड़ा सा कर दे ना बस और कड़ा कर दे एक नंबर तो था जय सत्यनारायण भगवान नो बिना मेरा बकर पाटा जय भगवान की जय। अत्याचार करने को धर्म विरुद्ध आचरण करने में लिप्त है जिससे यह पापों के बोझ में दबता जा रहा है। ऐसी दशा में मनुष्य इन विकारों से बचते हुए सुख शांति से जीवन व्यतीत कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। ये भगवान मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पूर्ण मिले ताकि सभी मनोकामनाओं को पूरी हो सके। शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान श्री सूत जी ने कहा हे ऋषियों आपने जगत के कल्याण की बात पूछी है तो मैं उसी व्रत को कहूंगा जिसके प्रभाव से सभी प्राणी जीवन में सुख संपत्ति और समृद्धि प्राप्त करेंगे। उनकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। इस व्रत के विषय में एक बार देवर्षि नारद जी ने पूछने पर श्री विष्णु भगवान ने उनसे भी कथा कही थी। उसी कथा को एक बार मैं कहता हूं आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। एक बार देवर्षि नारद मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे। उन्होंने वहां घूमते हुए देखा कि कोई पुरुष बोझा ढो रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई नेत्रहीन ठोकर खाते हुए जा रहा है। लोगों को कर्मों के अनुसार दुख से पीड़ित देख रहे सोचने लगे कि इन प्राणियों के तो कैसे दूर होंगे। बहुत सोचने पर जब उन्हें कोई उपाय नहीं सोचा तो वे विष्णु लोक की ओर चले गए। नारद जी को देखकर ओ बेहतर है यार भाई भी बात करे नी पर्सनल भगवान भगवान ये भी पर्सनल बात करे नी खुश खुश रहे तो भगवान ये हमारे घर की सबसे सुंदर चूड़ी है भगवान था नो मैं बना बेटो दे रहा ना भैया बनिया रो दोनों खुश खुश रो। आज हमारी पूजा होगी संपन्न हंसी निकल गई डट जा तू गनी हंस है जे दिन तू गनी हंस है नी मैं दिन तू पट्टा ही पट्टा है आ देखियो काड़ो ठठो लगा गा ये ऋषि रात भी ऐसे करते रहिए तो दिन में भी ऐसे करते नहीं को शुद्ध मिल गया मारे देव जमा शुद्ध देखी तो बेचारे शुद्ध समान से ज्यादा कुछ बिकस कविता ये भी अकेलो छोड़ गई मैं आशीर्वाद लेने चल गई आप भगवान बोल के बात कर ली काट साठ कर ली साठ काट कर ले एक मिनट में भगवान का
खड़ी होकर पिताजी को आशीर्वाद लिया। पिताजी को ले जाना, रोटी बनाई थी मैं। चल परांठा बनाऊ, तू कल दे परौंठे बनाने हैं। दाल का परौंठा ऋषु भी कुछ सोखा है, और आज कविता ने बनाई है चटनी। कविता तो सूट अमृतसर पह रही है तू। चटनी और लगा रखा है हमने आचा। को अब पता चला कि हम नहीं जा रहे अमृतसर। हाँ? तू आज कह रहा था अब तो नहीं जा पाओगे आप अमृतसर। नहीं, हर बात के लिए कैंसिल कर रहे हो। हाँ, हर बात के लिए कैंसिल कर रहे हो। क्या कैंसिल कर रहे हो? अब तो तेरी सिस्टर गई कल सुबह 8, कल चली जाएगी 3 बजे दोपहर में। अंदर से तो हो रहा है सब कुछ, दिमाग खराब होता है तेरा अंदर से। तेरी सिस्टर जा रही है इंडिया से बाहर, अब कब आएगी यारू? तेरा दिमाग खराब हो गया ना? रोलिया 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 रोता है यारू अंदर ही अंदर। आरू की सिस्टर जब वीडियो देख रही है तो देखो ये आरू बहुत उदास हो रहा है आज। आरू की सिस्टर जा रही है कल इंडिया छोड़ के। आरू कुछ बोलेगा नहीं अपने सिस्टर के लिए? नहीं अच्छा लग रहा? बोल रहे रे भाई, चल भाई चले आरू हमारे घर। हमारे घर कौन जाए? हम जाए। कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था? जीजू भी बोल रहे थे। अच्छा, सारे बोल रहे थे। तेरे को बुरा लग रहा है ना सिस्टर जा रही है तो? लग रहा है आरू को। आरू को देखो रोना सा आ रहा है अंदर अंदर, फिर चला गया अंदर। रजाई में सिस्टर कब आएगी? अब कॉल कर लिया, कर लियो ठीक है उसको। आप वीडियो कॉलिंग करा करेंगे, मैं भी कर लूंगी, तू भी कर लियो ठीक है। कर लूंगा। तो तुम मुंह ऐसे क्यों बना रहा है फिर? कहाँ जा रही है तेरी सिस्टर? अच्छा ये बता दे फिर मेरे को, कहाँ जा रही है तेरी सिस्टर? प्लेन में। प्लेन में भी कहाँ जा रही है? प्लेन में जा रही है। प्लेन? किसके पास जा रही है? जीजू के साथ जा रही है। वहीं रहेगी अब? तो यहाँ क्यों नहीं रह रही वो? सारे आते तो अच्छा नहीं, वो अब इंडिया आएगी ना तो फिर अकेली आएगी ठीक है। इंडिया आएगी चल। और यहाँ अब हम कर लेते हैं खाने का।